हेलो, हाँ हाँ चंपक बोलू, कौन? अरे अरे चुनीलाल तू, अरे कहाँ है भाई, किधर है? कितने सालों बाद फोन किया है। हाँ हाँ तूने सही सुना है, मेरा बेटा जेठा लंदन जा रहा है। बोल तुझे कुछ मंगवाना है? अरे अरे बोल बोल। हाँ तो एक काम कर, तू है ना, तुझे क्या क्या चाहिए वो सोच के बाद में मुझे फोन करना है, मेरा बेटा लेकर आएगा। अरे पैसे की चिंता मत कर भाई तू, ठीक है? फोन रखता हूँ। हाँ हाँ कौन है बाबूजी? चुन्नीलाल? अरे ये मेरा जामुन दोस्त है, जामुन दोस्त। जमीन दोस्त? ये बाबूचक जमीन दोस्त नहीं, अबे जामुन दोस्त, जामुन दोस्त। बचपन में हम दोनों पेड़ पे से साथ में जामुन तोड़ते थे। आज 15 साल बाद फोन किया उसने। तो बापूजी जो आपको इतने साल तक भूल गया उसके लिए आपको लंदन से गिफ्ट मंगवानी है? अरे वो दोस्ती भूल गया तो क्या हुआ, हमें दोस्ती नहीं भूलनी चाहिए। पापा पापा ये लीजिए। ये क्या है बेटा? ये टप्पू और टप्पू सेना की शॉपिंग लिस्ट है जो आपको लंदन से लेके आनी है। वीडियो गेम, टी शर्ट, चॉकलेट, आईपॉड, जीन्स, शर्ट, सब कुछ लेके आना है। ठीक है बेटा, सब ले आऊंगा। अरे ये लीजिए। ये क्या? 3 किलो खाखरा, 2 किलो गोल पापड़ी, 1 किलो भाखरवड़ी, ये सब लंदन से लाना? अरे ये सब तो मिलता है इधर। अरे नहीं नहीं, ये सब चीजें यहाँ से खरीद के लंदन ले जानी है। किसके लिए? वो मेरे माँ के मामा के भांजे के मामा के लिए। एक मिनट, माँ के मामा के भांजे के मामा, वो तो माँ के मामा ही हुए ना? वो जो भी हो आप समझ गए ना, तो उनके लिए क्या है, उनको ये सब चीज बहुत पसंद है तो आप ले जाएंगे। दया देखो, तुम्हारी माँ के लिए होता कुछ तो जरूर ले जाता, अभी तुम्हारे माँ के मामा के लिए हो बहुत दूर। बेटा ठीक है बाबूजी, ले जाऊंगा। थैंक यू दीदानी। दीदानी अरे अरे संभल कर, अरे, अरे, ओ, संभल कर, ये सब क्या है? ये सब पिताजी के लिए है। अरे कच के टॉप क्लास बांधने के लेडीज ड्रेसेस है। मेरे लिए बांधने का ड्रेस? हाँ मतलब क्या जीजाजी, आप इसे अपने साथ लंदन ले जाना, लंदन में है ना फटाफट गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी की तरह बिक जाएगा, और उसमें से जितना भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे, और आपके प्रॉफिट में से आपका घूमना फिरने का खर्चा भी निकल जाएगा। तू क्या चाहता क्या है, मैं लंदन के फुटपाथ पे ये सब लेडीज ड्रेस बेचने बैठू? उसमें हर्जी क्या है, वहाँ लंदन में आपको कौन पहचानता है, किसी भी स्टेशन के बाहर ठेला डाल के बैठ जाना, फटाफट बिक जाएगा। ये उठा सब इधर से, मैं कुछ नहीं लेकर जाऊंगा, जिधर से लाया उधर वापस दे क्या। ठीक है, ये 20,000 का चलन है। मंगलदास मार्केट में आपके दोस्त है ना परेश भाई पंचमतिया, हाँ उनकी दुकान से मैं उधार लाया, तो कल ये चुका देना, फिर आपकी मर्जी, ले जाना हो तो ले जाना, नहीं ले जाना हो तो मत ले जाना। हेलो, हाँ हाँ रोहित, हाँ रोहित भाई बोलो। हाँ जेठालाल, हाँ अच्छा कभी परसों की टिकट? हाँ ठीक है, नहीं ना मेरी सब तैयारी हो गई इधर, हाँ सामान रेडी है। ये रहा। अच्छा परसों कितने बजे? हाँ ठीक है, तो मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा, आप बोले। हाँ हाँ थैंक यू रोहित भाई, हाँ थैंक यू। हाँ दया बाबू जी, परसों की टिकट कहाँ है? खुशी खुशी लंदन जा। बाबू जी आप लोग भी साथ में आए होते तो बड़ा मजा आता। नमस्ते जेठा भाई, नमस्ते। लो आप लोग बहुत अच्छे मौके पर आए हैं, टप्पू के पापा का लंदन जाना तय हो गया है। दया बेन ये तो बहुत अच्छी खबर है। पर जेठा भाई हमने सुना है कि आप अकेले लंदन जा रहे हो,
ऐसा क्यों? साथ में फैमिली को भी ले जाना चाहिए ना बाबा। नहीं, वो बात दरअसल ऐसी है, वो क्या है कि टप्पू को स्कूल में छुट्टी नहीं मिली है। तो उसके बगैर हम लोग कैसे जा सकते हैं? छुट्टियों में हम लोग जाएंगे ना साथ में। गुड आइडिया। हाँ, वेरी नाइस। जेठा भाई, मैंने सुना है कि लंदन में अचार पापड़ की बहुत डिमांड है, तो आप जा रहे हो तो जरा देखे ना वहाँ पे अचार पापड़ का कोई ऑर्डर मिलता है तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे टप्पू के पापा तो बिजनेस के लिए ही तो जा रहे हैं। गुड, बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगा, देखूंगा कुछ ऐसा अचार पापड़ का ऑर्डर बॉर्डर मिलता तो लेके आऊंगा आपके लिए। थैंक यू जेठा भाई। अच्छा तो जेठा भाई, इसमें ना हर टाइप के अचार के सैंपल है, जैसे आम का, नींबू का, गाजर का, करेले का, भिंडी का, सब। प्लीज पब्लिसिटी कीजिए वहाँ पे। ओके जेठा भाई, आप पहली बार लंदन जा रहे हो तो पार्टी तो दोगे ना? हाँ हाँ, पार्टी तो देंगे ना। पार्टी तो देनी पड़ेगी आप। अरे भाई, पार्टी तो होगी ही ना, हमारे खानदान में पहली बार कोई लंदन जा रहा है। वेरी गुड। अरे टप्पू के पापा तो परसों लंदन जा रहे हैं, तो मैं क्या कहती हूँ, कल ही हो जाए पार्टी। क्या बात है जेठालाल, तुम्हारे लंदन जाने की खुशी तो त्योहार की तरह मना रहे हैं लोग। एक एक आदमी शामिल हुआ है, हाँ? कितना प्यार है तुमसे देखो। बिल्कुल बिल्कुल, और बोलना पड़ेगा, सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ एक के दिल में है मेरे लिए। ओए, कौन है बताने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, मेहता साहब, मैं आज उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फिर आज ये नया कौन? वो देखिए, डॉक्टर हाथी। मैं ले लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ये प्यार तो उमड़ उमड़ के आ रहा है। कितने टन प्यार है। थोड़ा उबल कभी, भाभी आप लोग खाना शर्माना मत। अरे भाभी, अच्छा हुआ आप आ गए। जेठा भाई क्या जच रहे आज। हाँ, जरा संभाल कर रहे ना, कहीं लंदन में किसी गोरी मेम पर इनका दिल ना आ जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अरे दया भाभी, आपको जेठा भाई पर इतना भरोसा है? अरे क्या अंजलि भाभी, मुझे भरोसा वहाँ की गोरी मैम पर है। वो इनके प्यार में कभी नहीं पड़ेगी। क्या बात है जेठालाल, कल प्लेन में बैठ कर लंदन उड़ जाओगे। आखिर वो दिन आ ही गया है। सुनो, संभल कर जाना। क्यों भाई? आजकल प्लेन बहुत हाईजैक होते हैं, कहीं तुम्हारा प्लेन हाईजैक हो गया तो, या तुम्हारे प्लेन में आतंकवादी घुस गए तो, भाई कहीं तुम्हारी सीट के नीचे किसी ने बम रख दिया तो। पोपटलाल, तुम यहाँ पे जेठालाल को लंदन जाने की मुबारकबाद देने आए हो या डराने के लिए आए हो? लेखक महाशय, मैं पत्रकार हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने दोस्त जेठालाल को सतर्क कर दूं। सुनो जेठाला, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे फोन जरूर कर देना। क्यों, तुम तुरंत उड़ते उड़ते वहां आओगे और मुझे बचाओगे? मैं इसके बारे में अखबार में छापूंगा और दुनिया हिला दूंगा। भाई भाई पोपटलाल, पत्रकारिता का काम सूचनाएं देना है, इस तरह से सनसनी और डर फैलाना नहीं है। हाँ। डर कहाँ, आपको मेरी बातों से डर लग रहा है? बोलो, आपकी सीट के नीचे बम कोई रख देगा, प्लेन में आतंकवादी घुस जाएंगे, प्लेन हाईजैक हो जाएगा, ये सब बातों से डर नहीं लगेगा? तो भी रहने दो। क्या लंदन जाना कैंसिल कर। पोपटला भाई, बुला रहे कौन? वो देखो उधर। अरे इधर। हाँ, इधर से। हाँ। उधर जाना पड़ेगा भाई, इधर से नहीं दिखाई देंगे।
क्या आदमी, हर बात में कैंसल कैंसल कैंसल, इसीलिए आज तक कुंवारा है। एक्सक्यूज मी, आप में से किसी ने मुझे बुलाया? नहीं नहीं भाई, नहीं। अरे बच्चों, बासुंदी पियो। अरे मैं जब छोटा था ना तो 20-20 वाटी बासुंदी पी जाता था। 20-20 वाटी? हाँ, फिर पियो पियो। चाचा जी, हाँ, आपने मुझे बुलाया? नहीं, किसने बोला? नहीं, कोई बात नहीं, खाना खा लीजिए। हाँ। यो अब्दुल भाई, नटू काका, हाँ, कैसा लगा खाना? एकदम बढ़िया, चौथी कटोरी है बासुंदी की। खाना तो एकदम लाजवाब है, जेठा भाई ने तो एकदम मजा करा दिया। अरे अब्दुल, पेट किसके हैं? अरे जीजा जी ने कुछ नहीं किया है, ये पूरा बंदोबस्त मैंने किया है। बोलो, खर्चा करे जीजा, चर्चा करे साला। जो बच्चो, बापू जी, खाना कैसा है? बस बस बस, खाओ खाओ, बासुंदी अच्छा है ना? ओ भाई, ओ जेठालाल, हाँ, मुझे कौन बुला रहा था? अभी तक नहीं मिला। रे, ओ मेहता साहब बुला रहे थे। अच्छा, मेहता साहब? हाँ। बस उन्हीं को नहीं पूछा मैं। तो जाओ जाओ, पूछा पूछा। वाह जेठालाल, क्या बात है, अप्रतिम जेवण। मंडल अपना आभारी है। तो कल लंदन? हाँ नहीं, जापान। अरे लंदन जा रहे थे ना तुम? भाई मालूम है तो क्यों बार बार पूछ रहा है भाई? वो तो मैं ऐसे ही। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, वहाँ पे किसी के साथ झगड़ा मत करना, वहाँ के लोग सू कर देते हैं। अरे वो नहीं, सू मतलब कोर्ट में केस कर देते हैं। अरे भाई ने, मैं किसी के साथ झगड़ा करता ही नहीं हूँ। अच्छा, एक तुमको छोड़ के। आइसक्रीम खा रहे हो? स्ट्रॉबेरी। अरे रसमलाई खाई कि नहीं? रसमलाई नहीं, मुझे दिखी नहीं वहाँ पे। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कभी खाई कि नहीं रसमलाई? मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्या बढ़िया टेस्ट होता है उसका। और जेठा भाई, इधर आओ यार। अरे बोला बोला यार, गड़ाला कोणी तेरी गाड़ा। हाँ छोटे बोला। अरे यार जेठा भरा, तुसी लंदन जा रहे हो, मैनू बहुत चंगा लग रहा है ये यार। हुई ना दोस्तों वाली बात। अरे हाँ यार, वहाँ लंदन से मेरे लिए ना एक बैटरी ले आना। अरे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, पेंसिल टॉर्च नहीं ले आऊंगा उसमें क्या? अरे नहीं, वो पेंसिल टॉर्च नहीं, और ट्रक की बैटरी। याद नहीं है तुमको, मेरे चाचा जी पंजाब से आए थे लोहड़ी पे। हाँ? उनका 1942 का एक इंग्लिश ट्रक है। हाँ? वैसे तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन उसमें बैटरी है ना, वो काम नहीं कर रही। अरे बहुत जगह से पता किया, यहाँ हिंदुस्तान में मिल ही नहीं रही है, वो लंदन से मिल जाएगी यार, तो वो प्लीज ले। अच्छा क्या साइज क्या होगा बैटरी का? साइज इतना बड़ा? ओ नहीं, इतना बड़ा तो ट्रक है, बैटरी होगी करीब इतनी। वो बैटरी उधर से लाना, थोड़ा वो साइज बहुत बड़ा है, बैग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सॉरी छोटे। हाय जेठा जी। अरे बबीता जी, ये क्या आप? बैठ के खा भाई, बैठ के खा। आप सिर्फ आइसक्रीम खा रहे हैं? खाना वाना खाया कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल खाया। देखो डिनर तो वैसे मैं बहुत लाइक करती हूँ। अच्छा, पर आज का खाना था ही इतना टेस्टी कि बस मुझसे रहा नहीं गया। ये बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया आपने। बोलिए बोलिए, आपके लिए लंदन से क्या लेके आओ? नहीं कुछ नहीं चाहिए। ओके ठीक है, चलो यार भाई को तो कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए बोलिए? मेरे लिए आप एक मेकअप किट लेके आ सकते हो। अरे ये पूछने का होता है, आप खाली हुकुम करो। पर वो किट थोड़ी सी साइज में बड़ी हो सकती है, तो आपको लाने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? साइज में बड़ी मतलब कितनी? प्लेन से तो बड़ी नहीं है ना? हाँ? फिर क्यों टेंशन ले रहे? आप खाली बोल दिया, आपका काम हो गया समझो। कमाल है यार जेठापरा, मैंने अपनी बैटरी लाने को बोला तो तुमने मना कर दिया, बबीता जी अपनी मेकअप किट लाने को बोल रही है तो तुमने हाँ कर दी है। तुम अभी तक इधर ही हो? भूल गया मैं। अरे भाई बोल पापा जी। हाँ बोलो, बैटरी का वजन क्या होगा? 25 किलो। बोलो तो फिर। अरे प्लेन में एक आदमी को 25 किलो का बैग ही लाने देते,
तो अभी मैं अपना बैग लाऊं कि तुम्हारी बैटरी लाऊं? मेरी बैटरी? तो फिर मेरा बैग कौन लाएगा? मैं। अरे यार चंपक चाचा जी ने क्या कहा था, जब तुम लंदन से आओगे उसके बाद मैं लंदन जाने वाला हूँ, तब मैं तुम्हारा बैग ले आऊंगा। अरे भाई तुम लंदन जा रहे हो तो तुम बैटरी नहीं ला सकते? गुड आइडिया यार। ठीक है तो तुम अपना बैग खुद ले आना। थैंक यू। अरे वाह, चलो जेठालाल चलते। बस जा रहे हो माधवी भाभी, खाना बना खाया ना बराबर है? हाँ हाँ खाना बहुत अच्छा था जेठा भाई। और बीड़े फिर रसमलाई खाई कि नहीं? हाँ अकु भाई रसमलाई भी थी, मैंने नहीं देखी। चला आपको पता था तो मुझे बताना चाहिए था ना, आपको पता है मुझे रसमलाई बहुत पसंद है। हाँ भाई थी है, चला। ऐसे अकेले खाना अच्छा नहीं है। नहीं खा लेगी, चल बहू। बस अब सो जा बेटा। हाँ नहीं दादाजी प्लीज, और एक कहानी। टप्पू तू जब भी मुझे कहता है ना कि दादाजी मुझे कहानी सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो वो टीवी और कंप्यूटर पे ही कहानी सुनते हैं और दादाजी की गोद खाली की खाली रह जाती है। दादाजी टीवी कंप्यूटर और आप में बहुत फर्क है, वो आपकी तरह सिर पे हाथ नहीं घुमा सकते। क्या बातें हो रही है दादा और पोते के बीच में। अरे जीठिया तू अभी तक जाग रहा है? हाँ बापू जी। हाँ कल विमान में बैठने वाला है, उस खुशी से नींद नहीं आ रही होगी है ना? नहीं बापू जी, वो कल से 15 दिन तक मैं आप सबसे अलग हो जाऊंगा यह सोच के नींद नहीं आ रही है। टप्पू बेटा देखो अभी पापा कल बारगांव जा रहे हैं, तो बापू जी का और मम्मी का तुम्हें बराबर ख्याल रखना है, हा? और टाइम पे दूध पी लेना, होमवर्क कर लेना, स्कूल बराबर से जाना और शरारत बिल्कुल भी नहीं करूंगा। नहीं नहीं करना, लेकिन इतनी भी मत करना कि वो भीड़ा का मुझे लंदन में फोन आए। डोंट वरी पापा, अब टप्पू बड़ा हो गया है, आपको मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं आएगी। और बापू जी? हाँ बोल भाई, मुझे क्या करना है? अरे नहीं मैं तो आपसे आशीर्वाद मांग रहा था। या बाबू चाक, माँ बाप के आशीर्वाद कभी मांगने नहीं पड़ते, वो तो हमेशा बच्चों के साथ होते ही है। थैंक यू बापू जी। जीवता रहे, जा अब शांति से सो जा और घर की चिंता मत करना। टप्पू है ना वो सब संभाल लेगा, क्यों टप्पू? हाँ दादाजी। देखा। चलो ओके। अच्छा जेठा सुन, तू कल लंदन जा रहा है इस बात से मुझे बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि तूने जो कुछ भी हासिल किया है वो तेरी मेहनत से हासिल किया है। बस इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन पूरी दुनिया घूमेगा। बस हो गया जा। थैंक यू बापू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। बस अभी कोई कहानी बानी नहीं, चलो सो जाओ। चलो अरे जेठा, अरे भाई तैयार हुआ कि नहीं, तेरा विमान उड़ जाएगा। हाँ चलो 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 रेडी रेडी। चल क्या बात है जेठालाल, ये कपड़े पहन के लंदन जा रहे हो? हाँ तो मेरा वीरा सुंदर लाया है खास अपने प्यारे जीजा जी के लिए। तो प्यारे जीजा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू माय डियर मेहता जी, थैंक यू। चलो एक मिनट बाबूजी, एक मिनट में आया जरा। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ, मैं कुछ मदद करूं? या वो फैमिली फोटो में भूल गया था क्या? वहाँ पे मुझे आप लोगों की याद आएगी तो क्या फोटो देखूंगा तो मन को जरा शांति मिलेगी। पापा पापा मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी।
अरे माय डियर टप्पू तू चिंता क्यों करता है, हम जीजा जी को रोज सुबह शाम फोन करते रहेंगे। या भाई मैं लिम्बड़ी नहीं जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ। बेटा मैं क्या उधर अपना फोन लेके नहीं जा रहा हूँ। क्यों? हाँ इधर का फोन है ना वहाँ बहुत महंगा पड़ता है। एक दो दिन में मैं फोन करता रहूंगा, पर आराम से बात करेंगे। हाँ चलो, चलो। अरे बापूजी पूजा तो रह गई, जरा पूजा कर लूं। लाओ नारियल। लीजिए दही शक्कर खा लीजिए। चाची जी हम सबकी ओर से जरा ये हार पहना दीजिए जेठालाल को। हाँ, हाँ। माल्यार्पण जरूरी है ना। जी उतरे बापू जी। चलो। हाँ हाँ जेठालाल, असल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 3 घंटे पहले चेक इन करना होता है, हम लेट हो जाएंगे। टप्पू के पापा। दया? एक मिनट बापू जी। अरे क्या हुआ दया, क्यों रो रही हो? आप लंदन जा। दया। अरे मैं हमेशा हमेशा के लिए थोड़े जा रहा हूँ, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए तो जा रहा हूँ। 2 हफ्ते यूँ 2 घंटे की तरह निकल जाएंगे। दया देखो इस तरह कोई बाहर गाँव जाते हैं तो ऐसे रो के विदा नहीं करते, हंस के विदा करते हैं। चलो हंसो जाओ, हंसो। अरे हंसो। जेठा चलो। चलो जीजाजी बहुत देरी हो रही है। अभी चलना है कि नहीं भाई? नहीं नहीं चलो चलो आओ चलो। आइए आइए चलिए चलिए। हाँ हाँ आप चलिए, सामान ले सामान आ जाएगा, सामान आ जाएगा, कुछ चलो यार। आप आइए। हाँ कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है? आओ सर जेठालाल। अरे लंदन की यात्रा मुबारक हो, विश यू हैप्पी जर्नी। अरे नटू काका लेकिन आप इधर क्या कर रहे हैं, दुकान पे कौन है? अरे कैसी बात करते हैं सेठ जी, आज मेरे सेठ लंदन की यात्रा पर जा रहे हैं और मैं दुकान में बैठा बैठा टीवी देखूं। अरे नटू काका आज मैं आपकी एक सुनने वाला नहीं हूँ, आज खुशी का दिन है, आज से दुकान बंद। आज से मतलब आज दुकान बंद, आज छुट्टी का दिन। क्या बापू जी? बराबर बापू जी, बराबर बराबर। चलो एक मिनट चाचा जी, एक मिनट। जेठालाल बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी लंदन यात्रा सुखमय आनंदमय सफलतामय और प्रसिद्धमय हो, आपका नाम पूरे लंदन में उजागर हो। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। बेड़े अभी 15 दिन तक जरा सोसाइटी का ध्यान रखना, वैसे तो तुझे कहने की जरूरत नहीं है, पर क्या अभी 15 दिन मैं नहीं हूं तो तुमको थोड़ा वो अड़वा अड़वा मतलब अकेला अकेला महसूस होगा। देखा प्यारा सा बंधन, कोई झगड़ा करने वाला नहीं है ना तेरा साथ इधर। देखो प्यारा सा बंधन, लेकिन चिंता मत कर, 15 दिन के बाद मैं आऊंगा ना तो हम लोग एक पूरा दिन बैठ कर झगड़ा करेंगे। पर हाँ जो हारेगा वो फिर झाड़ू लगाएगा। क्या बात है। जेठा भाई भी अच्छा, वो जरा अचार और पापड़ का याद रखना। वो रख दिया ना सैंपल। रख दिया। थैंक यू जेठा भाई, शुभ यात्रा। थैंक यू भाभी, खास तुम्हारे लिए। मैं नहाते विसरते। जेठालाल। अरे भाई क्या बात है जेठालाल, बहुत बहुत मुबारक हो,
पिछले जन्म में बहुत पुण्य का काम किया होगा कि भाई इस जन्म में लंदन जा रहे हो। सुना भिड़े, अब लंदन जा ही रहे हो तो वहाँ पर एक जगह है फ्लीट स्ट्रीट। अच्छा, वहाँ जरूर जाना और मेरे लिए वहाँ की एक तस्वीर ले आना। अच्छा, ऐसे क्या खास बात है उधर? वहाँ पर दुनिया के सारे अखबारों की ऑफिसेज है। ओ, ओ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम बताया? फ्लीट स्ट्रीट। फ्लीट स्ट्रीट, अब याद रह जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बहुत भाई है, सब लोग क्या हार की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है अभी। मुबारक हो जेठा भाई, लंदन जा रहे हो तो मेरा एक खास दोस्त वहां पर रहता है, उसका नाम है डॉन कार्लोस। डॉन है? घबराने की बात नहीं है, दिल का बहुत साफ है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो उससे एक बार जाके मिल लेना, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगा। बाप रे, उधर भी पहचान है इनकी। लेकिन हाँ, हौसला कायम रखना, क्या है कि उसकी वहां पर दुश्मनी बहुत है तो उसके ऊपर कभी भी गोलियां चल सकती हैं। हंसने की बात नहीं है, कोई गोली आपको भी लग सकती है। समझ गया, समझ गया। संभालना। हाँ। और विश यू हैप्पी जर्नी। थैंक यू। चलो जेठा भाई, आ रहे आ रहे, एक मिनट चाचा जी, मेरा भी नंबर है। हैप्पी जर्नी जेठा भाई। थैंक यू डॉक्टर आरती, थैंक यू। लेकिन ये क्या है, आप डबल नहीं बल्कि चौबल एक्सल साइज का हार लेके आए। दिल में जितना प्यार है उतना ही बड़ा हार है जेठा भाई। अभी जाते वक्त रुलाएंगे क्या कोमल भाभी आप? Oh, come on. ऐसा सब मत बोलिए। प्यार के लिए थोड़ा वक्त कम लगाइए हाथी भाई, देर हो रही है। जेठा भाई, सुना है लंदन में बहुत वैरायटी की चॉकलेट्स मिलती है, तो कुछ ले आइएगा ना। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं काम करता हूँ, पूरे सूटकेस भर के चॉकलेट आपके लिए लेके आऊंगा बस। क्या बात है जेठा भाई। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी जर्नी जेठा भाई। थैंक यू, थैंक यू। जेठा जी। अकेला जाने का मन तो नहीं हो रहा है, मतलब पूरी सोसाइटी साथ में आती है तो बड़ा मजा आता है। इच्छा है कि बहुत बहुत मुबारक हो जेठा लाल। मैं क्या कह रहा था, लंदन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही अच्छा है, उधर ही तुम सेटल हो जाओ। सॉरी अय्यर भाई, मैं अपनी गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के और किधर सेटल होने का सोच नहीं सकता है। क्या बोलते हैं बबीता जी है? वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी बबीता जी, ये आपके हार में से क्या खुशबू आ रही है। जेठा लाल, वो खुशबू हार में से नहीं आ रही है, मैंने शर्ट में परफ्यूम डाला है उसकी आ रही है। चलो ओके, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। ठीक है ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जेठा भरा, वहाँ से मेरे लिए वो खास इंग्लिश लेके आना। रोशन, क्या मंगवाया तूने? हाँ, तू कभी सुधरेगा नहीं ना, अकवट पीना 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 की बात करता है। ओ कमाल है, मुझे तो तेरे को देख के नशा होता है। अरे वहाँ से एक खास कैरम मंगाना है, क्यों जेठा भरा? कैरम? मैं तो साहब इसको इंग्लिश कैरम चाहिए। हाँ मिलके खेलेंगे, पर अभी थोड़ा फास्ट प्लीज। ठीक है भाई, ठीक है, ले आऊंगा ले आऊंगा। ठीक है जेठा भरा। इंग्लिश कैरम मुझे? अगर इंग्लिश कैरम, कैरम चल चल बे, हार पहना ना। हाँ उनको लेट हो रहा है, जल्दी करो। नहीं नहीं जेठा भाई को।
देखो तनु देखे कितना मनु नशा चढ़ जाता है। जेठा भरा लंदन 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 नहीं भाई लंदन लंदन और मेरी कैरम कैरम कैरम। अभी और कोई बाकी है? हाय पापा ये लीजिए पापा ये पूरी टप्पू सेना की तरफ से। अरे थैंक यू बेटा। मेरा बेटा सो स्वीट। थैंक यू। आपने बच्चों की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा क्या अभी अंकल हमारे लिए ना मैंने पापा को हमारी टप्पू सेना की शॉपिंग लिस्ट दे दी है। वो सब लंदन से लेके आएंगे। डोंट वरी। हाँ हाँ सब लेके आएंगे जीजा जी सब लाएंगे। अंकल आप पापा के लिए कैरम ला रहे ना तो उसका पाउडर भी लाना। अरे ठीक है बेटा ले आऊंगा। लेकिन सुना है कि लंदन में सोडा बनाने की जो मशीन होती है ना वो बहुत अच्छी मिलती है, वो मेरे लिए लेके आना। अरे भाई वो मशीन तो इधर राजकोट से ही उधर जाती है। मैं तेरे को वो सोडा का मशीन है ना राजकोट से फर्स्ट क्लास नया मंगा के दूंगा। चलो तारक अब हमारी बारी। अरे अंजलि तुम तो समझदार हो ना। ओ भाई जेठालाल और बाकी तुम लोग भाई ये मालाएं वापसी के लिए बचा के रखो प्लीज। जेठालाल अगर दो मिनट भी और देर हो गई ना तो तुम्हारी फ्लाइट गई। जी। अरे चलो जल्दी। अरे हाँ जेठा भरा चलो 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 पता होता है कि फ्लाइट एक घंटे डिलेड है तो चार मालाएं और पहनते जेठा। अरे और माला नहीं भाई माला बहुत है झुक गया गर्दन दुखने को आई मेरे। गोवा जाने वाले यात्री कृपया गेट नंबर 2 से प्रस्थान करें। बापूजी जा रहा हूँ मैं। टप्पू मम्मी और बापूजी का ख्याल रखना भाई याद है ना। हाँ पापा डोंट वरी। और हाँ टप्पू के पापा आप खाना ठीक वक्त पर खा लेना और देखिए अकेले घूमने के लिए जाना मत और हाँ किसी अजनबी के हाथ का तो खाना खाना ही मत। अरे दया मैं लंदन जा रहा हूँ स्कूल की पिकनिक में नहीं जा रहा हूँ। चेची चेची अरे नटू काका लंदन जा रहे हैं क्या? अरे अरे क्या हुआ? एक खास चीज देना तो मैं आपको भूल गया था। ये लीजिए आपको वहाँ काम लगेगी। क्या ये? इंग्लिश टू गुजराती गुजराती टू इंग्लिश डिक्शनरी। क्या है सेठ जी कि वहाँ लंदन में लोग इंग्लिश बोलते रहते हैं तो आपको कोई समझने में घबराहट या तकलीफ हो ना तो ये फट करके देख लेना काम लगेगी। वाह नटू वाह ये तूने अच्छा सोचा है। देखा जेठिया नटू तेरा कितना ख्याल रखता है। हाँ ठीक कहा चाचा जी। अब ये किताब अंदर डाल लो जेठालाल और चेक इन कराओ लेट हो जाए। हाँ चलो चलो ये मालाएं और नारियल भी ले लीजिए ना साथ। हाँ मालाएं बराबर है लेकिन नारियल ऐसे वापस नहीं लेते हैं। अब लेकिन भाभी तो लेकिन दया भाभी ओ वीरा ओ ब्लू कॉट। अरे वीरा वीरा आप विमान चलाते हैं ना मुझे पता है।
मैंने देखा है हिंदी फिल्म में विमान के ड्राइवर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। जी मैं पायलट। आप लंदन जाने वाले विमान के ड्राइवर हैं? जी। तो एक काम करोगे, आपके विमान के पहिए के नीचे ये शिफर रख देंगे। क्या है, उससे शगुन अच्छा होता है। जी? हाँ। सॉरी कैप्टन, ये मेरी भाभी हैं। शी इज अ बिट इनोसेंट। आज विमान जरा ठीक तरह से चला ना। क्या है, टप्पू के पापा पहली बार इतनी लंबी मुसाफरी में सफर कर रहे हैं। जी, डोंट वरी। ऑल द बेस्ट कैप्टन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अरे जेठालाल, अब तो तुम्हारी फ्लाइट का पायलट भी चला गया है भाई। चलो देर हो जाएगी, चेक इन कराओ, चलो फटाफट। हाँ चलो चलो, टप्पू ये जरा हार रख देना उधर। चलो चलो बापू जी, मैं जाता हूँ। चलो टप्पू बेटा, बाय पापा। हाँ बाय बेटा, बाय बाय। चलो सुंदर। हाँ चलो। दया तू ऐसे रोएगी तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। बहू रो मत, विदाई हमेशा हंसते हुए देनी चाहिए। 15 दिन की तो बात है, 15 दिन में माय डियर जीजा जी वापस आ जाएंगे। आ जाओगे ना जीजा जी? चलो चलो, हंसो हंसो हंसो। हाँ ऐसे, बस 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 अभी। चल चलता हूँ। चलो बाबू जी, चलता हूँ। चलो जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलो मैं तो सर। All the best, जेठालाल। सबका ख्याल रखना है। जब मैं यहाँ हूँ तो फिर क्या चिंता, बेफिक्र होके जाओ, लंदन घूमो और जल्दी आओ तो। हैप्पी जर्नी। थैंक यू थैंक यू। चलो चलता हूँ। मट्टो काका, आपके बगैर मुझे सुना सुना लगेगा। ठीक है चल। मत जाइए। अरे ये क्या, अभी नया ये नट्टो, बस जाने दे उसे। सेठ जी जल्दी वापस आ जाइएगा। अरे पर जाने तो दीजिए, जाऊंगा तो वापस आऊंगा ना। जाइए चलो बाए, बाए, बाए। चलो हाँ चलो, आओ जाओ आओ जाओ। All the passengers are requested to proceed from gate number 6 for London. Thank you. Chala. Thank you. All right, bye. Aao chalo. Bye. Yeah. Jai Jinendra. Welcome to Hindustan Airlines. Happy journey. Welcome to Hindustan Airlines. Welcome, sir. Happy journey. अरे जेठा भाई। अरे नवीन भाई, हेलो। यू लंदन? हाँ। आई फ्रॉम लंदन। फर्स्ट टाइम लंदन? अरे भाई मगर अंग्रेजी में क्यों बातें कर रहे हो, हिंदी में बात करो ना। नहीं ये बीच में अंग्रेज बैठे हैं, उसको भी समझ में आना चाहिए ना हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। जो भी हिंदी आती है। अच्छा कच्ची आता है? Yes. कच्ची आता है? Yeah. कच्ची? Yes. तो बोलो कड़ा बना तो? औलानन बना तो? Yeah!
इधर अंदर प्लेन में कैसे आ गई? किसी ने रोका नहीं? अरे कोशिश तो कई जगह से की गई थी लेकिन मैं दौड़ती हुई आ गई। लेकिन क्यों? आपके पेट के लिए। क्या मतलब? ये देखिए, ये जो चूरन है ना, वो मैं बैग में पैक करना भूल गई थी। इसके बिना आप लंदन में 15 दिन कैसे रह पाते? दया तो मेरा कितना ख्याल रखती है। ओए मैडम, मैडम मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? आपको पता है इस तरह प्लेन में घुस जाना कितना बड़ा गुनाह है? नहीं देखिए, वो मेरी दया बेचारी बहुत भोली है, उसको क्या कायदा कानून कुछ मालूम नहीं है। अरे ओ मैडम, क्या कर रही है? भागी जा रही है। ये गार्डन नहीं है, ये प्लेन है। देखिए भाई साहब, टप्पू के पापा को ये चूरन देना बहुत जरूरी था, वरना खाना हजम नहीं होता है और पूरी रात करवटे लेते रहते हैं। और पता है दूसरे दिन सुबह उनका मगज भारी हो जाता है और फिर पूरा दिन गुस्सा ही करते रहते हैं और किसी से झगड़ते ही रहते हैं और किसी के साथ। बस बस, देखिए मुझे चूरन का उपयोग मुझे मत समझाइए, मैं हर रोज चूरन लेता हूँ। आपका पेट देख के मुझे लगा ही। और ये चूरन बुरन छोड़ो, जिस तरह आप प्लेन में घुस गई है आपको जेल भी हो सकती है। देखिए भाई साहब, टप्पू के पापा तो मेरे श्वास है, मेरे पति परमेश्वर है। हम हिंदुस्तानी औरतों के लिए तो अपना पति, अपना मंगलसूत्र ही सब कुछ होता है। और हम आशीर्वाद भी सदा सुहागिन के मांगते हैं, यानी हमारे पति की उम्र बढ़े हमारी नहीं। शादी के साथ फेरे लेते वक्त पत्नी पति के हर काम में साथ देने की कसम खाती है, तो वो कसम मुझे निभानी पड़ेगी ना। और वो कसम निभाने के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़े तो मैं जेल भी जाऊंगी। एक मिनट, चलिए आप। एक मिनट, कहाँ ले जा रहे मेरी दया को? आप फिकर मत कीजिए, आप आराम से लंदन जाइए। बाहर आपके कोई रिश्तेदार आए हैं? हाँ, बापूजी सुंदर टप्पू। क्यों मेहता साहब चले गए? अरे अब मेहता साहब भी हैं। ठीक है चलिए। अरे मैडम चलिए। हाँ हाँ दया, चूरन। हाँ सॉरी। हाँ जिसके लिए इधर तक आई वही भूल गई। हमारे यहाँ सब कुछ है पर ऐसी संस्कृति नहीं है। चला झोपा आता बेटुया उड़िया सकाली। ये बहू कहाँ गई होगी? मम्मी अभी कहाँ गई थी आप? देखिए दोबारा प्लेन में घुसने की गलती कभी नहीं करना। हाँ टप्पू के पापा बार बार थोड़े ना लंदन जाने वाले हैं कि ऐसी गलती मैं दोबारा करूं। संभालो संभालो इसको। सॉरी सॉरी भाभी, कमाल करती आप, प्लेन के अंदर चली गई आप। आपको मालूम है ये कितना बड़ा अपराध है, कितनी समस्या हो सकती थी हम सबको। अरे पर ये बताइए आप गई कैसे प्लेन में? अब घर चलिए बताती हूँ। अरे जल्दी चलो यहाँ, जल्दी चलो यार, चलो चलो। आइए 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 चलिए।